Hello students, I am interested in the topic electric flux and gospel. Electric flux basically indicates that the number of electric field lines crossing the body. For example, ये को rectangular surface है, जिसका area vector इसके perpendicular है, and there are many electric field lines that are passing through this area. Some of them may be crossing this rectangular surface, but there may be some field lines which are not passing through this surface. Since we cannot see the electric field lines, how can we come to know that how many field lines are crossing the area? So, according to scientists, we can calculate with the help of the relation E dot A. Yani, if dot product of electric field and area vector will give us the idea about the number of electric field lines crossing the area. Yani, E into A into cos theta. And the unit of electric flux is volt. How do I come to know about this unit? Electric field की unit होती है volt per meter, area की unit है meter square, cos theta एक pure number है, इसका कोई unit नहीं होगा, तो यानी meter से meter cancel हुआ, तो यानी electric field flux की unit होगी volt dash meter. इसको volt meter एक साथ नहीं लिखना होता, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा, इसलिए वोल्ट एंड मीटर के बीच में एक डैश लगाना जरूरी होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रूल दिया है। कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ट्रैप हो जाता है तो उस सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा उसका काउंट होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यानी कि सपोज करो ये कोई क्यू है, इसके अंदर कोई क्यू चार्ज ट्रैप होगा, ऑफकोर्स ये क्यू चार्ज जो है कुछ फ्री लाइन सेलेक्ट कर रहा होगा, वो फील्ड लाइंस अलग अलग सरफेसेस से बाहर आ रही होंगी, बट हमें नहीं पता किस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। तो गॉस ने अपने थ्योरम में ये कहा कि किसी क्लोज सरफेस से जो फील्ड लाइन बाहर आ रही होगी दैट विल बी इक्वल टू जो चार्ज अंदर बंद हो गया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। यानी अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines यानी कि electric flux coming out या coming through closed surface is equal to 1 by epsilon times the net charge enclosed. इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि गॉस के थ्योरम जो है वो किसी भी सरफेस पर अप्लाई नहीं हो सकती, वो सिर्फ क्लोज सरफेस पर अप्लाई हो सकती है। कि क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज ट्रैप हो गया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दिस सरफेस। गॉस थ्योरम को यूज करते हुए कई बार हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन अवॉइड कर लेते हैं और फ्लक्स पता लगा लेते हैं, अदरवाइज हमें एक्चुअली में ई और ए का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा फ्लक्स के लिए। For example, suppose करो ये एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के टॉप सरफेस पे कोई चार्ज पड़ा,
अब ये चार पार्टिकल अपने फील्ड लाइंस चारों तरफ मूव कर रहे हैं, और मुझे पता लगाना है कि इस चार्ज की कितनी फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के टॉप सिलेंडर में से क्रॉस कर रही है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि हर फील्ड लाइन का उस रीजन के एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, और उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इस फील्ड लाइन का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में एंगल कुछ और बनेगा, इस फील्ड लाइन का कुछ और बनेगा। तो यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्चुअल मैथमेटिक्स में लेके चला गया तो इट विल बी इन्वॉल्विंग टेडियस कैलकुलेशंस। अब मैं इसी फ्लक्स को एक आसान तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने क्या किया कि इस सरफेस के ऊपर एक आइडेंटिकल सिलेंडर अज्यूम कर लिया, एक बड़े सिलेंडर पर टैप हो गया, और गॉस थ्योरम ये कहती है कि इसमें से इस बड़े सिलेंडर में से या चारों तरफ से ट्रैप बॉडी में से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो कितना होगा, जितना चार्ज कम हो गया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। पहले जब ये एक सिलेंडर के टॉप पे था तो ये ट्रैप सरफेस में नहीं था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया तो ये चारों तरफ से ट्रैप हो गया, और गॉस थ्योरम ट्रैप सरफेस पर अप्लाई हो सकती है। तो अब इस बड़े सिलेंडर पे से जिसमें ये ब्लैक कलर का सिलेंडर और रेड कलर का सिलेंडर इंक्लूडेड है, इसमें से तो फ्लक्स बाहर आएगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। और क्योंकि ये क्यू चार्ज इस बड़े सिलेंडर के एग्जैक्टली सेंटर पर है, तो बाय सिमेट्री मैं ये कह सकता हूं कि आधा फ्लक्स ऊपर वाले सिलेंडर में से बाहर आया, आधा फ्लक्स नीचे वाले सिलेंडर से बाहर आया। तो बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के मैंने पता लगा लिया कि इस रेड कलर के सिलेंडर में से कितना फ्लक्स बाहर आया। यानी गॉस थ्योरम हमें फ्लक्स कैलकुलेट करने में कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रही है। चलो इसको एक और क्वेश्चन में समझते हैं। सपोज करो ये एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पर कोई चार्ज पड़ा, और मुझे पता लगा है कि इस चार्ज की कितनी फील्ड लाइन यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब में से क्रॉस कर रहा है। बहुत सारी फील्ड लाइन सभी को मिली, और जो फील्ड लाइन सभी को मिली है उनमें कुछ फील्ड लाइन तो ऐसी है जिनका इस क्यूब से कोई लेना देना, वो बाहर ही नहीं है, लेकिन कुछ फील्ड लाइन इस क्यूब से भी क्रॉस कर रही है। जो इस क्यूब से क्रॉस कर रही है फील्ड लाइन उनके साथ क्या हो रहा है, जैसे ये फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है और इस जगह का एरिया वेक्टर इधर होगा। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स क्रॉस किया, तो एक तरीका जो है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर दूं क्वेश्चन को। उस केस का प्रॉब्लम यह है कि यहां का एक एंगल कुछ और बनेगा, यहां का एंगल कुछ और बनेगा, तो हर छोटे छोटे सरफेस से फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। गॉस थ्योरम की नेसेसिटी क्या है कि हमें इसको चारों तरफ से एक ट्रैप सरफेस में रखना पड़ेगा। तो चलो हम इसको रखते हैं। हमने क्या किया, एक आइडेंटिकल क्यूब यहां पर इमेजिन, एक दो इसके पीछे इमेजिन करें, यानी कि मैं इसको आठ क्यूब से ट्रैक कर देता हूं, जिसमें एक क्यूब यहां है, इसके एडजेसेंट रीजन में तीन क्यूब आ गए और चार क्यूब इसके ऊपर आ गए, यानी कि कुछ इस तरह से समझ लो। अब अगर मैं आठ क्यूब देखूं, जैसे मान लो इसको एक और तरह से समझ सकते हैं, जैसे डस्टर पे इस कोने पे चार्ज पड़ा, तो मैंने एक डस्टर यहां पे माना, एक यहां पे और चार ऊपर माने, तो एक बड़े क्यूब में ट्रैप हो गया, और उस बड़े क्यूब से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो कितना बाहर आ रहा होगा, जितना चार्ज अंदर बंद हो गया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। लेकिन जो ये बड़ा क्यूब बना, ये क्यूब चार्ज उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर आ गया, तो बाय सिमेट्री मैं कह सकता हूं कि किसी एक क्यूब से कितना फ्लक्स निकला डिवाइडेड बाय ए, यानी कि बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को किए हमने कॉस थ्योरम को यूज करते हुए फ्लक्स पता लगा लिया। चलो अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं इसको। ये मान लो एक स्क्वायर शीट है, मैं इसको 3D रूप में दिखा रहा हूं तो आपको स्क्वायर नहीं लग रहा होगा, बट ये स्क्वायर शीट है जिसका साइड a मीटर,
सेंटर से a by 2 डिस्टेंस ऊपर यहां पर गई, q चार्ज पड़ा। अब ये q चार्ज बहुत सारे फील्ड लाइंस से मिलकर है, and again some of the field lines will be crossing through this question also। अगर मैं इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे लेके जाऊं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस को एरिया के परपेंडिकुलर नहीं क्रॉस कर जाएंगी और कुछ फील्ड लाइंस ऐसी होगी जो किसी एंगल पर जा रही होगी और वो एंगल सबके लिए अलग-अलग होगा। तो इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे लेके जाऊंगा तो डिफिकल्ट साइड पर जा रहा है ये क्वेश्चन। लेट अस यूज गॉस थ्योरम फॉर इट। हमने क्या किया कि इस स्क्वायर शीट के एडजेसेंट फाइव शीट्स और अरेंज कर लिए और इस चार्ज को एक क्यूब में ट्रैप करा दिया। कैसे? एक शीट मैंने यहां पे अज्यूम करी, एक शीट मैंने यहां पे अज्यूम करी, एक ऊपर अज्यूम करी, एक साइड वॉल पे इधर लगाई, एक पीछे लगाई। तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि जैसे कि मान लो इस शीट के ऊपर यहां पे कहीं कोई चार्ज था, तो मैंने क्या किया, एक शीट इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर, एक इधर, एक टॉप पे, तो हमारा चार्ज उस क्यूब के अंदर ट्रैप हो गया। और अगर क्यूब के अंदर ट्रैप हो गया है तो उस क्यूब में से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो गॉस थ्योरम का मॉडल कितना होगा, q / एप्सिलॉन। और क्योंकि ये चार्ज उस क्यूब के जॉइंट के सेंटर पर है डिस्टेंस में, क्योंकि इस सरफेस से सेंटर तक की दूरी a / 2 बनेगी, इसका मतलब मैं ये बाय डिफॉल्ट कह सकता हूं कि हर सरफेस से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। इसका मतलब किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, 1/6 ऑफ q / एप्सिलॉन। यानी फ्लक्स कैलकुलेशन करने में गॉस थ्योरम हमारे लिए काफी हेल्प करती है, हमें टीडियस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचा देती है। इसी तरह से गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम किसी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ रखा है कि ये कोई क्यू चार्ज है, उसकी वजह से आर मीटर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1/4 πε₀ q/r2। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो सिग्नल की डायरेक्शन इसके अवे हुई और नेगेटिव हुआ तो इसके टुवर्ड्स। लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूला एक्सक्लूसिवली कौन चार्ज के लिए दे रखा है। अगर यही चार्ज हमारा किसी कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए, एक वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? तो एक तरीका तो फिर वही आ गया कि आप छोटे छोटे कॉम्बिनेशन की वजह से निकालो, इंटीग्रेट करो। लेकिन हम कई बार कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को बचा सकते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। तो अब हम गॉस थ्योरम को यूज करते हुए किसी कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। And this is the part of our CBSE syllabus also. तो हम एक काम करते हैं, एक spherical distribution की वजह से electric field निकालते हैं। ये पॉइंट को एम मान लिया,
एक तरीका तो ये है कि मैं हर चार्ज की वजह से निकालूं, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से भी निकालूं, क्योंकि कूलम का जो एक्सप्रेशन है वो कौन चार्ज के लिए दिया गया था। लेकिन अब हम गॉस थ्योरम को यूज करते हुए पता लगाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वाले। गॉस थ्योरम की स्पेशलिटी हमें पता है कि गॉस थ्योरम पर दो सरफेस पर अप्लाई होती है। तो मैं काम करता हूं जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है उस जगह से पास होता हुआ एक सरफेस इमेजिन करता हूं जिसको हम कहेंगे पॉइजन सरफेस। और सरफेस ऐसा होना चाहिए जो गिवन बॉडी की डायमेंशंस के साथ कोई सिमेट्री मेंटेन करे, यानी आप कोई रैंडम सरफेस नहीं ले सकते। तो अगर मैं इस चीज को ध्यान में रखूं तो स्फेरिकल बॉडी की सिमेट्री के साथ एक स्फेरिकल शेल सिमेट्री में डिस्टेंस का है, तो मैंने एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम किया जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रैप बॉडी से जो नेट फ्लक्स बाहर आएगा वो कितना होगा, जितना चार्ज अंदर बंद हो गया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये एम पॉइंट जिस लोकेशन पे है, मान लो वो लोकेशन आठ मीटर दूर। अब देखो फ्लक्स कैसे कैसे बाहर आएगा, मान लो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर आएगा, और ये छोटा सा रीजन जो है इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो। इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मान लो मैं सरफेस छोटा सा यहां पे अज्यूम करता हूं, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर आ गया, इधर भी जीरो और ds के बीच में अंदर जीरो हुआ। तो अगर मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है तो मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा कह सकता हूं कि इस सरफेस के हर छोटे छोटे सेगमेंट पे e और ds के बीच में अंदर जीरो होगा। मोर ओवर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी क्योंकि हर लोकेशन स्फेयर के रिलेटिव सिमेट्री के सिमेट्री डिस्टेंस पर है। अब इसके अंदर चार्ज कितना ट्रैप हुआ है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज ट्रैप हुआ है बेसिकली पूरे स्फीयर का चार्ज ट्रैप होगा, और पूरे स्फीयर का चार्ज मैंने क्यों बता रखा है, यानी ये क्यों चार्ज अंदर ट्रैप हो गया। अब मैं इधर सॉल्व करता हूं, ई डी एस डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, और ये मैंने डायग्राम में शो कर दिया है कि ई और डी एस के बीच में हर लोकेशन का एंगल जीरो होगा। तो यानी ई इंटू डी एस इंटू कॉस वेयर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, और ई जो है उसकी वैल्यू इस गॉसियन सरफेस की हर लोकेशन पर सेम आएगी, तो ई कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे करते करते अगर मैं डी एस डी एस डी एस डी एस करते हुए इस गॉसियन सरफेस के टोटल एरिया को ऐड कर दूं तो ये बन के आ जाएगा 4 बाय r स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ये बन गया 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमने क्या नोट किया कि जब मैं इस स्फीयर की वजह से किसी आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो रिजल्ट कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने ये सारा चार्ज इकट्ठा करके स्फीयर के सेंटर में ला दिया। तो यानी कि हम किसी स्फीयर की वजह से आउटर पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम अपनी कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं जैसे ये सारा चार्ज इकट्ठा होकर सेंटर पे आ गया है और हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी गॉस थ्योरम ने कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन से बचा दिया हमें। तो दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट। कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अब मैं एक नेक्स्ट केस लेता हूं, मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने की जगह इसके जस्ट आउटसाइड किसी रीजन में निकालना है। अगेन वी वुड लाइक टू यूज गॉस थ्योरम, हम अपना गॉस गॉसियन सरफेस है वो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए वहां पे बनाएंगे। मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना एन पोजीशन जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो हमने क्या किया यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस।
सिंपली से कह सकते हो कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो आएगा। किसी भी छोटे छोटे रीजन में बाय डिफॉल्ट हम ये भी देख पा रहे हैं कि सिमेट्री की वजह से सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम होगी। तो यानी कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी सरफेस इक्वल टू चार्ज फ्लो बैक साइड में ई और डीएस के बीच में एंगल जीरो है तो ई इंटू डीएस इंटू कॉस जीरो अप्लाई होगा। बस फर्क क्या आएगा डेरिवेशन में कि जो पिछले केस में जो एरिया डाला था 4 बाई स्मॉल आर स्क्वायर डाला है इस केस में 4 बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास जो रिजल्ट आया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर आया। यानी पिछले केस में जो रिजल्ट आया था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर जो आया था इस केस में वो रिजल्ट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। तो हमने दो केसेस डिस्कस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से आउटर क्वांटिटी में निकाली और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से जस्ट आउटसाइड स्फीयर में निकाली। नाउ लेट अस डिस्कस अ नेक्स्ट केस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी इनसाइड लोकेशन पर निकालना चाहते हैं। टोटल चार्ज की है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम इनसाइड पॉइंट में आता है। मान लो वो इनसाइड पॉइंट की लोकेशन को मैं पी नाम से बुला, ये एक्स मीटर की दूरी है और ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल है। तो हम क्या नोट करते हैं कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्ट की वजह से भी आई होगी, सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर मैं इसको एक्चुअल कैलकुलेट करने लगूं तो वेक्टर एडिशन में प्रॉब्लम आएगी। हम गॉस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं हम वहां पे एक कॉजल सरफेस एज्यूम करेंगे जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सिमेट्री मेंटेन करे। तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर सिमेट्री मेंटेन करा जाए तो स्फेरिकल कॉजल सरफेस कैसा आ गई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इनसाइड रीजन में एग्जिस्ट करता है। अब गॉसियन क्या कहती है, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन। लेकिन इस केस में हमने नोट किया कि जो भी चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के बाहर चला गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने में दो रिस्पॉन्स दो चीजें हो सकती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो जाए ना तो, या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो है वो 90 डिग्री एंगल आ रहा है, या गिवन सरफेस का कोई एरिया ही ना बने। ऑफ कोर्स इस वाला सरफेस का कुछ एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं है। तो यानी हमने इसके एक चीज फर्म की कि किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की तरफ किसी भी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब जो हमने गॉसियन सरफेस गॉसियन थ्योरम को यूज करते हुए इस कंडक्टिंग सरफेस की वजह से आउटर पॉइंट इनसाइड पॉइंट ऑन सरफेस पॉइंट एंड इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी, इन रिजल्ट को मैं एक ग्राफ में समराइज करता हूं। यानी कि अगर मैं इस क्यू चार्ज की वजह से आर मीटर दूरी के आउटर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो वो बनती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसी की वजह से ऑन सरफेस किसी पॉइंट में निकालना चाहता हूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और इसी की वजह से